डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है ओरिजिन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में किडनी का ओरिजिन पढ़ेंगे आज अपन। और सबसे पहली बात तो ये है कि किडनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक्सक्रीशन के लिए। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट है वो, जैसे अपन जब बॉडी जब एनर्जी बनाती है तो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। और वो बाई प्रोडक्ट मोस्टली जैसे CO2 होती है जो रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकल जाती है, वाटर बनता है जो वेपर के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं। उन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स है वो, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, ये सब के पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। और इनको बाहर, शरीर से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए शरीर के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता होती है, जिसको अपन किडनी बोलते हैं या नेफ्रिडिया भी होते हैं। तो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट पानी के अंदर डिजोल्व है, उनको बाहर निकालने के लिए एक युक्ति या एक माध्यम या एक ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, और वो अपने अंदर किडनी होती है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर, सभी के अंदर किडनी पाई जाती है। नॉन कोर्डेट्स में अपन देखें तो वहाँ पर नेफ्रिडिया, केबर्स ऑर्गन, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इस किडनी का ओरिजिन समझने के पहले थोड़ा सा ये जान लेना आवश्यक है कि वो उस किडनी की संरचना कैसी होती है। तो वो एक कम्पैक्ट मास के अंदर होती है, बाहर उसके कैप्सूल होता है और उसके अंदर खूब सारी यूरिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, या जिनको अपन नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है किडनी की या एक्सक्रीशन की, वो है नेफ्रॉन्स होते हैं। खूब सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में किडनी के अंदर वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उन नेफ्रॉन्स को अपन थोड़ा सा पहले ध्यान करेंगे, क्योंकि इन्हीं का अपने को ओरिजिन पढ़ना है। तो एक, जैसे कोई भी नेफ्रॉन है उसकी अगर अपन संरचना देखें तो उसके अंदर एक तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है, ये दिखा रखा है अपन ने यहाँ पे, तीन नेफ्रॉन दिखा रखे हैं। एक होता है पेरिटोनियल फनल, और इस पेरिटोनियल फनल के आगे क्या होता है कि नेफ्रोस्टोम होता है। तो ये एक संरचना होती है, और ये वो संरचना है जो आगे जा करके पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स का निर्माण करती है। तो ये बहुत ही जब ओरिजिन होता है तो सबसे पहले ये नेफ्रोस्टोम ही बनता है, और इसी नेफ्रोस्टोम से आगे जा करके वो ट्यूबुल्स का निर्माण होता है। ये एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स या जिसको अपन नेफ्रॉन कहते हैं, उसी का निर्माण उसी से होता है। तो ये एक नेफ्रोस्टोम होता है, और ये नेफ्रोस्टोम है वो सिलोम के अंदर है, वो जब बनती है तब उस समय सिलोम के अंदर वो डिप रहता है। इससे ऊपर की तरफ अपन जाए तो यहाँ पर ये बोमन कैप्सूल या मेलपीजियन बॉडी है, ये पूरी की पूरी मेलपीजियन बॉडी है। और इस मेलपीजियन बॉडी के अंदर दो संरचना है, बाहर जो कैप्सूल लाई दिख रहा है वो है बोमन कैप्सूल, ठीक है। ये बोमन कैप्सूल है जो कि ग्लोमेरुलस जब इसके अंदर प्रवेश करता है तब ये संरचना कप लाइक बनती है, तो ये बोमन कैप्सूल है। और इस बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो है वो ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, मेलपीजियन बॉडी। ये जो ग्लोमेरुलस है वो कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, और जब डोर्सल ऑर्टा से जो निकलती है आर्टरी निकलती है, वो आर्टरी है उस ग्लोमेरुलस में प्रवेश करती है और वहां जाकर के खूब सारे गुच्छा बनाती है, जिसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वहां से जब बाहर निकलता है ब्लड है वो, तो यहां से इम्प्योर ब्लड है वो इस ग्लोमेरुलस में आएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है इसके अंदर आता है, और यहां से जब फिल्टर होकर के यहाँ फिल्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ फिल्टर हो जाते हैं, और बाकी जो ब्लड है वो इस इफ्रेंट के द्वारा किस में आता है, इस कार्डिनल वेन के अंदर आता है, रीनल वेन के अंदर आता है। ये रीनल वेन है, तो ये अपने डोर्सल ऑर्टा दिखाइए जिससे एफ्रेंट अंदर प्रवेश करती है, ग्लोमेरुलस बनता है गुच्छा, और उसके बाद में इफ्रेंट के द्वारा वो रीनल वेन के अंदर वापस बाहर निकल आता है। तो ये दूसरी संरचना है। तीसरी संरचना ये है कि ये कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है, ये नेफ्रोस्टोम से बनने वाली कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स है, सम्मिलित नलिका है, और ये नलिकाएं सारी की सारी नलिकाएं बनती है सारे नेफ्रॉन के अंदर, और वो जाकर के मेजोनेफ्रिक लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है बाद में सभी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेकर यूरिथ्रा का द्वारा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से एक किडनी की संरचना होती है।
तो इस प्रकार से खूब सारे नेफ्रॉन्स हैं और यही नेफ्रॉन्स आगे कंपैक्ट होकर के कैप्सूल लाइक संरचना बन जाती है, उस जिसको अपन किडनी बोलते हैं। अब इसके ओरिजिन की अगर अपन बात करें सॉरी, तो जब जंतु के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो क्लीवेज की क्रिया होती है उसके बाद में ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुला बनता है। गैस्टुला बनने के बाद में जब तीन लेयर बन जाती है जिसको अपन एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं, इस प्रकार से ये तीन लेयर का निर्माण होता है। इन लेयर के साथ में ये क्या होता है, बीच में एक ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है, न्यूरल क्रिस्ट बनती है, नोटोकॉर्ड बनती है, ठीक है, ये संरचनाएं बनती है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म यहां पर ये देखिए अपन ने दो सोमाइट दिखाए, यानी बॉडी के अंदर है वो खंड बनने शुरू हो जाते हैं, सोमाइट्स जिसको बोलते हैं। तो ये अपने ये सोमाइट्स दिखाए यहाँ पे, सोमाइट्स बनने से, क्योंकि जो किडनी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये अपने मीजोडर्म वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा दिखाए, तो इस मीजोडर्म में जो बीच का पोर्शन होता है जिसको अपन इंटरमीडिएट मीजोडर्म बोलते हैं, ये वाला पोर्शन ही आगे जा करके किडनी और यूरिनरी सिस्टम दोनों का निर्माण करता है। देखिए आप यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, यही इंटरमीडिएट मीजोडर्म आगे जा करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और जिनाइटल ऑर्गन दोनों का निर्माण करता है। इसीलिए इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इस सिस्टम को यूरिनो जिनाइटल सिस्टम के नाम से बोलते हैं, यूरिनो जिनाइटल सिस्टम। वो इसलिए बोलते हैं कि इनका ओरिजिन इंटरमीडिएट मीजोडर्म का एक जो पोर्शन है उसी से होता है, इसीलिए इसको यूरिनो जिनाइटल सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में अगर देखते हैं तो जब डेवलप्ड हो जाता है सारे ऑर्गन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और जिनाइटल ऑर्गन जब डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है कि दोनों जो सिस्टम है उनमें आपस में क्लोएका के थ्रू जाकर के दोनों में आपस में संबंध होता है, विशेषकर मेल के अंदर। इसलिए यहां पर अपन इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो ये जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है यही आगे जाकर के क्या बनाती है, किडनी का निर्माण करती है। यहां पर अपन ने एक दूसरे डायग्राम के द्वारा शो किया है। देखिए ये बाहर की अपन ने एक्टोडर्म दिखाई है, ये नीचे एंडोडर्म दिखाई है, और ये बीच में क्या मीजोडर्म है, जो ये येलो कलर की दिखाई दे रही है ये मीजोडर्म है। और ये सब मीजोडर्म का तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, जो आगे वाला कहलाता है पैराक्सियल, और बीच वाला कहलाता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और नीचे वाला कहलाता है लेटरल मीजोडर्म। ये पैराक्सियल आगे जाकर के मसल्स और दूसरे सिस्टम को डेवलप करता है। ये लेटरल जो मिजोड्रम है, तो अपन यहां पर ये मिजोड्रम दिखाई है, इसमें तीन है, पैराक्सियल मिजोड्रम, इंटरमीडिएट मिजोड्रम और लेटरल मिजोड्रम। ये लेटरल मिजोड्रम है आगे जाकर के क्या करती है, दो में डिवाइड होकर के एक तो सोमेटोप्लूर बनाती है और एक है स्प्लेंकनोप्लूर बनाती है। ये स्प्लेंकनोप्लूर जो है वो अंदर जाकर के जो अंतरांग है उनके अंदर ऑर्गन का विकास करती है, और ये सोमेटोप्लोर है जो ऊपर की तरफ जाकर के एक्टोडर्म के पास में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलप करते हैं। तो ये सोमेटिक सोमेटोप्लोर है और ये है स्प्लेंकनोप्लोर। जो बीच वाला पोर्शन सॉरी, जो बीच वाला पोर्शन है जिसको अपन ने क्या कहा, इंटरमीडिएट, ये जंक का होता है, यानी ये थोड़ा सा लगभग क्या होता है, मोटा होता है, यहाँ पे जंक होता है यहाँ पे, तो इसको इंटरमीडिएट मिजोड्रम कहते हैं। और यही इंटरमीडिएट मिजोड्रम आगे जाकर के क्या बनाता है, किडनी या यूरिनो जेनाइटल सिस्टम का विकास इसी इंटरमीडिएट मिजोड्रम से होता है। अब अपन एक डायग्राम के द्वारा यहां दिखा रखा है, देखिए या यहां पर समझिए, ये देखो अपन एक एम्ब्रियो दिखा रखा है, और इस एम्ब्रियो के अंदर ये जो इंटरमीडिएट मिजोड्रम है, ये इंटरमीडिएट मिजोड्रम है वो एक डक्ट का निर्माण करता है, इस तरीके से एक कंपाइल पूरी की पूरी एक है वो यू मानसी नेफ्रिक रिज जो होती है, एक नेफ्रिक रिज का निर्माण करता है यहां पे, ये एक नेफ्रिक रिज है, इस प्रकार से पूरी की पूरी नेफ्रिक रिज का निर्माण करता है। इस नेफ्रिक रिज जो अपन ने बताई है, ये इसी के अंदर क्या होता है, किडनी का ओरिजिन होता है। और इस नेफ्रिक रिज जो है इसकी डोर्सल साइड में जो मिजोड्रम है, इस साइड में जो मिजोड्रम है वो मिजोड्रम डेवलप होकर के एक डक्ट बनाती है जिसको अपन मिजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, मिजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटरमीडिएट मिजोड्रम है,
ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म आगे चल के क्या बनाती है, एक नेफ्रिक रिज बनाती है, और इस रिज के अंदर ही क्या होता है बाद में जो किडनी का डेवलपमेंट होता है या नेफ्रॉन्स का डेवलपमेंट होता है, और इस रिज के बाद जो डोर्सल साइड में जो मीजोडर्म है वो एक डक्ट का रूप लेता है, और इस डक्ट को बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। अब इस नेफ्रिक रिज के अंदर अपन देखें तो यहां पर तीन पोर्शन अपन ने दिखाए, एक तो दिखाया सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, देखिए ये इतना पोर्शन है वो है तो कौन मीजोडर्म ही है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, बट ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म है वो क्या सेगमेंटेड है, ये अपन ने यहां पर सेगमेंट दिखा रखे हैं, सेगमेंटेड मीजोडर्म है ये। उसके बाद में देखिए अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये यहां से लेकर के और ये यहां तक का जो पोर्शन है वो अपन ने क्या दिखा रखा है, वो भी वो अनसेगमेंटेड है, ये सेगमेंटेड है ये अनसेगमेंटेड है, ये भी इंटरमीडिएट मीजोडर्म का पोर्शन है। और उसके बाद में नीचे देखिए आप अनसेगमेंटेड मीजोडर्म फिर दिखाया अपन ने, तो ये अनसेगमेंटेड मीजोडर्म है, यहां पर सेगमेंटेड नहीं है, वो केवल इतने से पोर्शन में सेगमेंटेड, बाकी वो सेगमेंटेड नहीं है। सॉरी, किडनी का जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है उसका ओरिजिन होता है, उस समय पहले प्रोनेफ्रेंस बनते हैं, उसके बाद में मीजोनेफ्रेंस बनते हैं, उसके बाद में मेटानेफ्रेंस बनते हैं, ठीक है, वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो सेगमेंट इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ये आगे जाकर के प्रोनेफ्रॉन बनाता है, और जो अनसेगमेंटेड जो अपन ने बीच का वाला दिखाया वो क्या बनाता है, मीजोनेफ्रिक सिस्टम यानी मीजोनेफ्रॉन्स या मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी बनाता है। और ये हाईली डेवलप्ड जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या करता है, हाईली डेवलप्ड किडनी जो मेमल्स में और वेवीज में पाई जाती है मेटानेफ्रिक सिस्टम बनाता है, यानी मेटानेफ्रोज का निर्माण करता है। अब इनमें अंतर क्या, देखिए यहां पे जो किडनी बनेगी इस पोर्शन के द्वारा जो किडनी बनेगी वो कंपैक्ट होगी, बिल्कुल कंपैक्ट किडनी होगी, और नेफ्रॉन्स की संख्या उनमें खूब सारी होगी, बट वो नेफ्रॉन्स सारे के सारे एक कंपैक्ट संरचना के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, इन्वॉल्व्ड होते हैं, और यहीं इसमें जो मेटानेफ्रोज है उसमें भी इनका होते हैं। लेकिन प्रोनेफ्रॉन्स में अपन ने क्या बताया, सेगमेंटेड बताया, और ये जब यहां इनसे जब नेफ्रॉन डेवलप होगा तो वो नेफ्रॉन क्या होगा, इस मेटानेफ्रिक डक्ट से एक एक करके जुड़े रहते हैं, इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं, और इनके जुड़ने से क्या होगा कि ये जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फिल्टर कर दे, वो किस में आएगा, मेटानेफ्रिक डक्ट में, और ये मेटानेफ्रिक डक्ट है वो आकर के क्लोएका में खुलती है। तो जो प्रोनेफ्रॉन्स है वो सारे के सारे अलग अलग है, आज अपन अगर देखें तो ये प्रोनेफ्रॉन्स केवल कुछ प्रिमिटिव साइक्लोस्टोमेट्स है उन्हीं में पाई जाती है, बाकी ये प्रोनेफ्रॉन्स किसी में नहीं होते। तो इस तरीके से ये प्रोनेफ्रॉन्स या जो जिसको अपन यहां पर किडनी बोलेंगे, यहां पर प्रोनेफ्रॉन्स है बट उसी को भी किडनी बोलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे इंडिविजुअल है और इनकी प्रत्येक की डक्ट है वो आकर के मेटानेफ्रिक डक्ट में आकर के खुलती है। यहां पर जो बनने वाले नेफ्रॉन्स है वो सारे के सारे कंपैक्ट होंगे और मीजोनेफ्रिक किडनी बनाएंगे, और ये भी कंपैक्ट है, जो हाईली डेवलप्ड किडनी का पोर्शन है वो डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट मीजोडर्म है वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म सेगमेंटेड होकर के प्रोनेफ्रॉन्स का निर्माण करती है, और ये जो नेफ्रॉन्स है उनको अगर अपन थोड़ा सा और विस्तार में देखें तो वो नेफ्रॉन्स एक्चुअल में बनते कैसे है, या देखिए ये अपन ने नोटोकोर दिखा रखी है और ये डोर्सल ओर्टा दिखा रखी है। इस डोर्सल ओर्टा के पास में यहां पर सबसे पहले क्या बनता है, नेफ्रोस्टोम, और ये नेफ्रोस्टोम मैंने पहले भी बताया था कि यही वो संरचना है जो आगे जाकर के ट्यूबल्स या नेफ्रॉन्स का निर्माण करती है। तो ये नेफ्रॉन्स बनता है सबसे पहले, इस नेफ्रॉन के बनने के बाद में ये अपन ने यहां पर नेफ्रॉन्स दिखाया, ये डोर्सल ओर्टा है, इस डोर्सल ओर्टा से क्या होगा, कैपिलरी बाहर निकल करके और इस नेफ्रोस्टोम के अंदर प्रवेश करती है और एक कप लाइक संरचना बनाती है, और उसी के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। तो देखिए यहां से ये अपन ने संरचना यहां दिखा रखी है,
और ये वाला पोर्शन अपन ने यहाँ पे ये दिखा रखा है, इस डोर्सल ऑर्टा से ये आर्टरीज बाहर निकल करके ये देखिए ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस बन गया और नेफ्रोस्ट्रोम को अंदर से इनविनेजेट करके और ये अंदर अंतर्वलन के द्वारा इनविजिनेशन के द्वारा ये पोर्शन है वो अंदर चला जाता है। इस प्रकार से ये बोमन कैप्सूल का निर्माण होता है और इस बोमन कैप्सूल जो है उससे आगे ये जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स दिखाई है अपन ने, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, ये वाली संरचना दिखा रखी है, ये आगे जाकर के इसका निर्माण होता है। तो ये सारी के सारी ये जो संरचना अपन ने दिखाई है यही संरचना ये है। ये संरचना जब यहां पे होगी नेफ्रॉन बनेंगे और उन नेफ्रॉन्स के अंदर से क्या निकलेगी, केवल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल निकलेगी। ये अपन ने यहां पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिखाई है जो कि इसमें जाएगी मेटानेफ्रिक डक्ट में और ये मेटानेफ्रिक डक्ट आकर के यहां खुलती है। अब यहां पे क्या होगा, ग्लोमेरुलस नहीं है, यहां पे ग्लोमेरुलस की संरचना नहीं बनती है क्योंकि प्रोनेफ्रॉन्स जो सबसे पहले बनते हैं उनमें कोई भी वो जो ग्लोमेरुलस नहीं बनता है क्योंकि यहां जो नेफ्रॉन बने उनके अंदर जो नेफ्रोस्ट्रोम है वो सीधा का सीधा है वो इस एम्ब्रियो की सिलोम में लटका रहता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहां पर होता है, उसी सिलोम के अंदर होता है। तो उस सिलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल लेकर के ये मेटानेफ्रिक डक्ट में डालता रहता है। तो इस प्रकार से खूब सारे नेफ्रॉन्स का डेवलपमेंट होता है और ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स है वो आगे जाकर के जैसे जैसे मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी बनेगी तो वो सारे के सारे नेफ्रॉन्स है वो कंपैक्ट होकर के कैप्सूल लाइक संरचना के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आकर के कंपैक्ट हो जाती है जिसको अपन किडनी बोलते हैं। तो जो आज जो मैंने आपको बताया वो केवल और केवल क्या बताया, ओरिजिन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से वो किडनी का उद्भव यानी ओरिजिन होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोनेफ्रॉन्स मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स बनते हैं। तो ये अपन सारा का सारा है वो आगे वाली जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें लेंगे। तो यहां पर तो अपन ने केवल यही बताया कि इंटरमीडिएट मीजोड्रम जो है वो आगे चल के एक रिज बनाती है और उस रिज के अंदर क्या होता है कि वो रिज बनाती है उसमें इंटरमीडिएट मीजोड्रम है वो तीन भागों में डिवाइडेड होती है। पहला वाला अनसेगमेंटेड, दो जो पोर्शन बताए वो सेगमेंट, सॉरी पहला वाला सेगमेंटेड है और दो आगे वाले क्या है अनसेगमेंटेड है। तो ये वाला पोर्शन मीजोनेफ्रिक किडनी बनाता है, ये मेटानेफ्रिक बनाता है। प्रत्येक जंतु में जब बनेगी यहां पे मेटानेफ्रिक जो किडनी बनेगी तो उस समय क्या होगा, ये संरचना एक बार के लिए बनती जरूर है एम्ब्रियो के अंदर, कौन सी प्रोनेफ्रॉन, लेकिन ये डिजेनरेट हो जाती है, ये बनती है ये डिजेनरेट हो जाती है और ये एक डेवलप्ड स्टेज में रहती है। इसी तरीके से जब मीजोनेफ्रिक बनेगी तो ये बनेगा लेकिन आगे जाकर के एम्ब्रियो में एक बार स्टार्ट में प्रोनेफ्रॉन बनता है उसके बाद में क्या होगा, ये डिजेनरेट हो जाता है और ये मीजोनेफ्रिक किडनी डेवलप होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक आर्की नेफ्रॉन होता है, एक काल्पनिक माना गया जिससे काल्पनिक आर्की नेफ्रॉन है और उस आर्की नेफ्रॉन को ये माना गया कि ये मतलब इसी से आगे जाकर के प्रोनेफ्रॉन्स मीजोनेफ्रॉन्स और मेटा जो मतलब पूर्व में जो एंसेस्टर थे अपने पूर्वज थे उनमें कैसी एक किडनी थी जिसको अपन ने आर्की नेफ्रॉन कहा, तो उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक्स।